हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल चाल सभी के। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी फाइनली हम दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ जी के। अभी हम जो है हम हैं रुद्रप्रयाग में। हमने यहाँ पर स्टे करा था और यहाँ से सोनप्रयाग लगभग 50 किलोमीटर है। सोनप्रयाग में जाएंगे। सोनप्रयाग में जा कर के वहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाते हैं और फिर वहाँ पर आपको प्रोसेस बताते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे है, क्योंकि 15 तारीख को जो कपाट है वो बंद होने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे केदार बाबा जी के जो दर्शन हैं वो वहाँ से कपाट को बंद कर दिए जाएंगे और नीचे उनको लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए इस यात्रा में आप बने रहिए, मैं आपको डिजिटली यात्रा बहुत अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो इस ट्रिप में हमारे साथ हैं विनीत जी, बिट्टू और गौरव। आ जाइए भाई, ये हमारे साथ है जो हम केदारनाथ जी की यात्रा जो सफल करेंगे, आप हमारे साथ ही करेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि जो ये डिजिटली यात्रा है हम आपको बहुत अच्छे से पूरी कराएं। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। फाइनली अभी हम जो है सोनप्रयाग की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। यहाँ पर जो अभी पार्किंग के शुल्क है वो आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। स्टार्टिंग में लिए भी नहीं जाएंगे, वो पर्ची आपको दे दी है जिसकी 100 रुपये है और उसके बाद आपको आगे पता चलेगा। और व्यू इस तरीके से जो है वो ये रहा। जैसी आप एंट्री करेंगे वहीं पर, और इससे आगे आपको आपका वाहन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पूरी पार्किंग है, मल्टी लेयर पार्किंग है यहाँ पर पूरा। हेलीकॉप्टर आपको दिख ही रहा हूँ। तो चलिए जब हम यात्रा स्टार्ट करते हैं आगे की जानकारी हम आपको बताते हैं। हर हर महादेव जी। जैसे मैंने बताया इस समय मैं सोनप्रयाग में हूँ और सोनप्रयाग का जो व्यू है वो इस तरीके से है, आपको मिलेगा यहाँ पर, और बहुत अच्छा है। बिल्कुल यात्री जो हैं बिल्कुल भीड़ ज़्यादा है। जैसे आपको बताया कपाट जो है वो बंद होने वाले हैं 15 तारीख को इस वजह से, और ऊपर ठंड जो है बहुत ज़्यादा बता रहे हैं दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा और उसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों जी। इस समय मैं खड़ा हूँ वेरिफिकेशन बूथ पर। देखिए ये वेरिफिकेशन बूथ है जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके, जो इस पर व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है उस पर यात्रा टाइप करेंगे, डिटेल्स करके QR कोड स्कैन आप यहाँ भी करा सकते हैं, नहीं करा ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं, और QR कोड स्कैन यहाँ पे भी हो जाता है। इसके बाद आप अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और घोड़े के लिए देखिए शुल्क जो है यहाँ पे, पर्ची जो है यहाँ से कटती है सोनप्रयाग से बेस कैंप तक केदारनाथ का, ये चार्जेस है। और अभी हमने सभी ने स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा। तो एक बार बोलेंगे हर हर महादेव। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं। फाइनली अभी हम ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड के लिए जो टैक्सीज मिलती है वो हमें आगे से मिलती है। तो विनीत जी कैसा लग रहा है उत्साह आपकी बार आपको? अरे भैया बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस बाबा की नगरी में ही रहना अच्छा लग रहा है। तो एक बार बाबा की नगरी में हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं और देखे कैब भी जो है आगे हैं और अभी हम इसमें चलते हैं। तो जी फाइनली जैसे बताया जी हम बैठ चुके हैं गौरीकुंड के लिए। अब यहाँ से टैक्सी से हम जाएंगे जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक होता है जी। फाइनली चले तो एक बार बोलेंगे हर 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 महादेव दोस्तों जी। अभी हमें टैक्सी से उतार दिया गया है, क्यों? क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है। तो कहते हैं ना हमारी पथ यात्रा ट्रैक यहीं से स्टार्ट हो चुका और वो आपको दूर दिख रहा होगा, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों जी। फाइनली ये देखिए हमने अभी स्टार्ट कर दी है केदारनाथ जी। यहाँ पर 16 किलोमीटर है जो दिखा रहा है, बट हाँ अप्रोक्स लगभग ये 22 किलोमीटर होता है। फ्रूट चाट वगैरह आप जो भी आप चाहे यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए जूस वगैरह, फ्रूट चाट आपको सब कुछ मिलेगा। 50 रुपये की फ्रूट चाट दे रहे हैं
रीजनेबल है, बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छी है। और हमारे साथ के ये चल रही आगे, तो लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, प्रस्थान करते हैं अपनी यात्रा को। ये फाइनली अभी हम गौरीकुंड मार्केट में पहुंच चुके हैं, ये लास्ट मार्केट पड़ती है, इसके बाद आपको चीज़ें तो मिलेंगी। जी गौरीकुंड मार्केट के लिए देखिए, ये अच्छी मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस देखिए, डाकघर से नहीं भैया, थैंक यू। हर हर महादेव दोस्तों, जी जैसे बताया गौरीकुंड में इस समय हम आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं लगभग 10:30 के आसपास, तो यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके और अपनी यात्रा जो है हम प्रस्थान करेंगे। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि लगभग मैक्सिमम 7-8 घंटे मैक्सिमम आराम से रेस्ट करते हुए चलेंगे, बट देखते हैं कितना समय लगेगा क्या है। जी दोस्तों अभी हम गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं, मंदिर में अभी दर्शन प्राप्त करते हैं यहाँ से। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है। हर हर महादेव दोस्तों, जी इस समय है हम गौरीकुंड पे, जैसे मैंने आपको बताया उसके दर्शन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, मैं आपको दोबारा से उसके दर्शन कराता हूँ। तो विनीत जी कैसा लगा? मतलब भैया ये नेचुरल जो है गर्म पानी है, हमने जो है देखा भी कि भाई कोई आयरन रोड और नहीं लग रही, मगर हमने वहाँ लास्ट में जाके देखा कि नेचुरल गर्म पानी आ रहा है। आप भी दिखा सकते हो दर्शकों को? मैं आपको दिखाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, वहाँ से आ रहा है नेचुरल पानी और बिल्कुल ये नेचुरल है, मतलब जो कहते हैं ना उनका, और ये यहाँ से आ रहा है। मैं आपको नेचुरल पानी दिखाता हूँ, यहाँ से आ रहा है पीछे से, मैं आपको नेचुरली दिखा रहा हूँ, ये नेचुरल देखो वहाँ से नीचे नेचुरल आ रहा है। हेलो, तो जैसे मैंने दिखाया ये नेचुरल है, भगवान का प्रसाद ही आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी शुद्ध करके अपनी यात्रा जो है प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से बहुत से श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, जो यहाँ से अपने आप को शुद्ध करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, हर हर महादेव। जैसे आप गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको स्टैंड मिल जाएगा सभी घोड़ों का, यहाँ से आप जो भी चाहें जो बताया था आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रैक जो कर रहे हैं। हेलो यो, हर हर महादेव। जी देखो इधर दोस्तों, जी अभी हमने गौरीकुंड का जो गेटवे था वो अभी क्लियर करा है, और यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये देखिए, यहाँ पे उनके लिए पानी पिलाने के लिए यहाँ पर इंतजाम करके रखा हुआ है, जो बहुत अच्छा है। सुनिए जी ये चीज़ सही लगी ना, इनके लिए पानी पिलाने के लिए अलग से बनाया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और चीज़ें तो बदल चुकी हैं यहाँ पर पहले से काफ़ी। जैसे आप ट्रैकिंग को कंटिन्यू रखेंगे आपको पहला झरना मिलेगा, और इस ट्रैक पे आपको बहुत सारे झरने देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, जो कहते हैं ना पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बस यही है कि दोनों का ट्रैक एक ही है ना, तो वो उधर से भी आ रहे हैं इधर से भी आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो प्रॉब्लम बस यही है कि ट्रैक जो है ना एक्चुअल पता नहीं है, इधर लेफ्ट हो रहे तो राइट से राइट लेफ्ट वो, और झरना तो भाई। जी प्रथम दर्शन देखिए आपको कैलाश जी के, और वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ, तो वहाँ तक बस हमें जाना है, ये छोटा सा एक उंगली की दूरी है और हम इसे जल्दी से पार करेंगे और पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी जी ट्रैक जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, एक दो रेस्ट लिए हमने यहाँ पर, और मैं व्यू में आपको दिखाऊं, वैसे तो मैं यहाँ आंखों से देख पा रहा हूँ पर मैं दिखाता हूँ। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा,
अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जय शंकर भोले नाम शंकर जय मेरो वाली कैंप पर पहुंच चुके हैं। देखो आगे दिखाता हूँ और वो चढ़ाई वाला रास्ता वहाँ जा रहा है मैं। हर हर महादेव दोस्तों जी। अभी हम भीमबली से निकल चुके हैं, आगे प्रस्थान कर लिया है हमने और आगे का जो दृश्य है वो पूरा चेंज हो चुका है। ठंडी जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है। वैसे फिलहाल सही बताए तो लेट है हम काफ़ी, और हमको पहुँचते पहुँचते अगर इसी स्पीड से भी चले ना तो 10 तो बज जाएंगे। बट देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दी इसको कंप्लीट करें हम, और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, बढ़ते जा रहे हैं और आगे विनीत जी और वो आगे हैं और फिर हम मिलते हैं। तो भी किसी ने से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ से शॉर्टकट है, कितना है क्या है वो हम जैसे ही हमको पता चलता है हम आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। हाँ मतलब उसी तरीके जैसे अमरनाथ जी में दो ट्रैक है ना, इस तरीके से यहाँ पे दो ट्रैक दिख गए। अब बालटाल वाले रोड पे आ गए, ये पहलगाम वाले दूसरी साइड है। हाँ सही कह रहा है, पहलगाम वाले ही लग रहा वो, और वहाँ पे बैठे हमारे भोलेनाथ। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषाम रित पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बाट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा शुक्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो हर हर महादेव जी। फाइनली अभी जैसे आपको पीछे से नज़ारा दिख गया होगा जी, बिल्कुल ये रास्ता वही है, कहते हैं ना स्वर्ग के लिए जाने के लिए सीधे जी हम स्वर्ग जा सकते हैं, जिसके लिए हमने यात्रा ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है जी बिल्कुल। तो देखिए ये पूरा व्यू देखिए। तो कैसा लग रहा है विनीत जी? कानों को सुकून मिला। प्रारंभ करते हैं हम दोबारा से, और ये ना ट्रैक आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। अब यहाँ से मेन चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट, ये भाई बहुत मेहनत करते हैं ठीक है जी। देखिए इस तरीके से जो सामान है इसको चढ़ाया जाता है केदारनाथ में, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो जी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर कैसे सामान चढ़ाते हैं ट्रैक्टर से केदारनाथ जी में, आपने ऑलरेडी देखा होगा पर एक बार दोबारा देखा। ड्राइवर
शिकारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। हर हर महादेव दोस्तों जी, अभी यात्रा ट्रैक जैसे हम कर रहे हैं, देख करके दिल को बहुत अच्छा सुकून मिला। क्या कि हम जैसे हम घोड़े करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, देखिए छोटे से बच्चे को ये पैदल ही ट्रैक कर रहा है। और अभी कहते हैं इन्हीं से हमें प्रेरणा देखने को मिलती है। बाबू बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शुभम। देखो शुभम है ये। अब देखो इस छोटे से बच्चे के अंदर जब इतना जज्बा है, महादेव के प्रति इतना प्यार है, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लेके भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव, अपने ट्रैक को कंटिन्यू रखते हैं। काफ़ी बढ़ चुकी है, देखो ग्लव्स वगैरह पहन लिए है, कैप वगैरह भी अब मैं लगा लूँगा बस आगे देखिए। और अभी भी लगभग लगभग हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे ऊपर तक पहुँचने में, क्योंकि ट्रैकिंग जो है ये अभी तो ऐसा लग रहा है ढलान, आगे जाके दोबारा से ऊपर से ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको बताया गया है। चलो देखते हैं, महादेव का नाम लेते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर देव महा। दोस्तों एनर्जी बिल्कुल पूरी डाउन हो चुकी है, ठंड जो है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और लगभग लगभग अभी हमें समय लगेगा 1.5 घंटे के करीब, 1.5 आवर्स, ठीक है। और हम थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, विनीत जी आगे हैं और दोनों भाई अभी पीछे चले हैं। और चलिए मैं आगे का दृश्य दिखा के आपसे मिलता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों जी, इस समय हम केदार घाटी पहुँच चुके हैं, एनर्जी यहाँ बिल्कुल डाउन है, थोड़ी सी ठंड है, और बस थोड़ा सी समय लग रहा है, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट में हम पहुँच रहे हैं। और देखिए केदार घाटी जैसे बताया मैंने आपको, स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ पे आके बिल्कुल फ्लैट रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार बढ़िया है। और कोशिश करके देखते हैं, अभी मैं कुछ दर्शन आपको दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ मॉर्निंग में हम दर्शन करेंगे और फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ
क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो